हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर गौरी, क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया है स्माइल विद पल्लवी से इंडियन यूट्यूबर गौरी। तो आपकी गौरी आ चुकी है आपके सामने, और अभी सो के उठी हूँ मैं, थोड़ा सा नींद आ गया है, संडे है। और तो संडे है तो आज नींद आ गई थोड़ा। मैं सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो मैंने सोचा चलो जब उठ जाओ तभी ब्लॉग स्टार्ट करना है। और मेरी आंखें अभी भी सोई सोई लग रही हैं आप सबको। तो बाय द वे, आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, काजल भी नहीं लगाया है। कैसी लग रही हूँ मैं आप जरूर बताना हम सब मुझे। तो जो है आज है संडे और क्रिसमस का व्लॉग मैंने डाल दिया था, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम एक है कि पल्लवी है कि गौरी है। तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम गौरी और पल्लवी दोनों है। गौरी मेरी मम्मा ने मेरा निकनेम रखा था, और पल्लवी मेरा ऑफिशियल बाहर का नेम है। तो इस तरीके से दो नेम है, गौरी और पल्लवी। तो इस तरीके से मेरे दो नाम है। तो मैंने सोचा कि इंडियन यूट्यूबर गौरी के नाम से थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सबसे पहले मेरा वही नाम था। तो बस ये सारी चीज़ें गाइस, और आज संडे है, और डिनर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कुक करके डिनर में मैं बहुत स्पेशल आज बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं, और जो है चाय पीने के बाद अपनी नींद तोड़ते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे नींद पे नींद आई जा रही है। जो टी लवर है ना, उनके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ, ये जो टाटा टी गोल्ड है ना, बहुत अच्छा टेस्ट है गाइस, बहुत अच्छा टेस्ट है। एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना, यू विल लव इट्स टेस्ट, सच में बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। और जो है मैं करीब एक महीने से पी रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखिए लिखा हुआ रिच टेस्ट, ये देखिए चाय का जो कलर है ना, बहुत प्यारा आता है। ये देखिए मैंने अभी बनाई है ना चाय, इतना प्यारा कलर आ रहा है, वाओ। तो गाइस डिनर बन चुका है, और मैंने सोचा कि थोड़ी आपसे बातें कर ली जाए, उसके बाद सोया जाए। हालांकि मुझे नींद आ रही है, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बातें कर ली जाए। तो क्या हो रहा है ना कि जब से मेरे मम्मी पापा आए तब से मैं दो डिनर दो लंच ऐसे बना रही हूँ। तो कभी कभार से सैटरडे को खिचड़ी बनती है, तो फिर एक ही बनता है, अदरवाइज दोनों टाइम पे दो दो डिनर और दो लंच, दो तरीके का खाना बनता है, मतलब कह सकते हो। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं छोले वगैरह बना रही हूँ, जैसे कि आज मैंने छोले बनाए थे, तो हमारे छोले होते थोड़ा स्पाइसी होते हैं, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और जो मेरे मम्मी पापा हैं वो ना तो नॉनवेज खाते हैं और ना तो स्पाइसी खाते हैं, बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, बहुत ही कम स्पाइस में एंड ऑल। तो फिर उनके लिए अलग से आलू की सब्जी या फिर किस तरीके की सब्जी बनानी पड़ती है, बना देती हूँ मैं। तो इस अभी भी रात में भी क्या हुआ ना कि जैसे हम चिकन हमने बनाया था क्रिसमस डे के दिन, तो उस दिन चिकन रखा हुआ था, तो हम ना ट्राई करते हैं कि सामान को फेंका नहीं जाए, खाने पीने की चीज़ स्पेशली।
तो बहुत ही मेहनत से आता है ना, आप सब जानते होंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि चिकन अगर बच जाता है तो उसको रख देते हैं हम, मतलब उसको दूसरे तीसरे दिन खा लेते। तो आज मैं चिकन हम लोग का खाना था और पराठा बनाना था, तो ये हुआ कि पराठे बनेंगे। तो पापा को पराठे नहीं खाने होते हैं, मम्मी पराठे खा लेती हैं। तो पहले मैंने पापा के लिए रोटी बनाई, उसके बाद मैंने अपने लोग के लिए पराठे बनाए, फिर मम्मी के लिए मैंने रोटी के साथ दाल रखी थी, पापा के लिए रोटी के साथ दाल रखी थी, और उसके बाद मैंने पनीर की भुर्जी बनाई। और पनीर की भुर्जी मम्मी भी खाई, क्योंकि मम्मी चिकन नहीं खाती हैं, तो उसके हिसाब से उन लोग के लिए सब्जी बनानी ही पड़ती है। चाहे मैं शाम को बाहर से भी खाना मंगाऊं तो भी वो लोग बाहर कभी नहीं खाते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है थोड़े से। तो अभी ऐसा हो गया है ओल्ड एज में, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग जो खाते थे जब, मतलब इसके पहले जब मम्मी पापा आए थे ना, तो जो भी हम लोग खाते थे वो चीजें वो खा लेते थे। बट अभी क्या हो गया है कि थोड़ा उनकी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, तो उसके चलते वो लोग का बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन हो गया है। जैसे कि ऑयली नहीं खाना है, मसाले नहीं खाने हैं, बाहर का नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके चलते जो है बहुत ही अलग अलग बनाना पड़ता है खाना। तो जो है फिर हम लोगों ने चिकन पराठा खाया, मम्मी ने भी पराठे खाए, उसके साथ पनीर की भुर्जी खाई। और पापा के लिए मैंने रोटी बनाई थी, तो रोटी, पनीर की भुर्जी और दाल सुबह की रखी थी, वो दाल खाई। तो इस तरीके से हमारा हर दिन चलता रहता है कुछ न कुछ। तो इसी तरीके से हमारा कुछ कुछ न कुछ हर दिन चलता रहता है। पता नहीं आजकल मुझे खांसी बहुत आ रही है। इवन दिवाली में भी मैंने दो दो तरीके का खाना बनाया था। दिवाली में बहुत सारे आइटम बनाए थे मैंने, बहुत सारी चीजें बनाई थी खाने की, करीब 6-7 चीजें। जैसे कि मैंने बनाया था पनीर की बटर पनीर मसाला, कचौड़ी, पूड़ी और दम आलू पुलाव, और भी बहुत सारी चीजें, दही रायता, ये सब। तो मम्मी के लिए, पापा मम्मी के लिए फिर हमने चने की दाल बनाई, चना मतलब अरहर डाला था, अरहर की दाल थी एक्चुअली बेसिकली, बट हमारे यहाँ फेस्टिवल में अरहर नहीं बनती है, तो मैंने उसमें 4-5 दाने चने के डाल दिए थे कि जिससे कि एक शगुन हो जाए। तो अरहर की दाल, एक प्लेन सब्जी, फिर उनके लिए रोटी। रोटी वो लोग मस्ट है खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी बने, चाहे कचौड़ी बने, दुनिया में कुछ भी बने, बट रोटी उनके लिए मस्ट होता है। तो रोटी, ये सब चीजें मैंने दिवाली में भी बनाई थी। और जितने भी, मतलब जैसे कि दिवाली में होता है हमारा, पहले बड़ी दिवाली होती है, उसके बाद हमारा गोवर्धन पूजा होती है, मतलब जिसको हम जर्दा परता कहते हैं वो होती है, फिर उसके दूसरे दिन भाई दूज होता है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे पूजा हुई थी एक सत्यनारायण भगवान की, जिसका मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो उस टाइम पे भी जो है मैंने दो दो खाना बनाया था, और उस टाइम पे मेरा भाई भी आया, तो मुझे लगता था यार उसको कुछ कुछ बना खिला दो, अच्छा, मेरा छोटा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा थकान हो जाती है। और अब जब दो तरीके खाने बन रहे हैं, दोनों टाइम दो दो तरीके खाना बन रहा है, तो उतने बर्तन भी जाते हैं। अब जो मेड है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा बर्तन देंगे धोने के लिए, तो वो या तो क्लीन नहीं करेगी अच्छे से, और या तो फिर थोड़ा सा उसको भी रोज रोज इतने सारे बर्तन धोने के लिए नहीं दे सकते। तो मैं बर्तन भी धो देती थी एक टाइम का। तो उस तरीके से करते करते पूरा दिन निकल जाता है, और बस काम, और बस काम काम ही काम, बस दैट्स इट। तो बज रहे रात में 12:30, तो मैंने खाना खाया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने दूध पिया और थोड़ी देर टीवी देखी, फिर अब मैं सोने आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर देते हैं, उसके बाद सोते, क्योंकि फिर सुबह हो नहीं पाता है, क्योंकि सुबह उठते से ही फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, जैसे कि मम्मी को खाना भून के देना पड़ता है, इंश्योर, एक जैसे बॉर्नविटा हॉर्लिक्स होता है ना, वैसे एक इंश्योर आता है, उसको देना पड़ता है पानी में डाल के, गुनगुने पानी में। उसके बाद दलिया देनी पड़ती है, वो भी सब कुछ निकाल निकाल के ऐसे सर्व करना पड़ता है। तो इसके चलते सुबह सुबह मैं ब्लॉगिंग हो नहीं पाती, हालांकि मैंने सोचा था कि एक दिन मैं ब्लॉग करूंगी, बट सुबह के टाइम पे, कि मैं एक्चुअली में सुबह क्या करती हूँ, बट हो नहीं पाता। तो गाइस, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगाती हूँ आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। तो गाइस, चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।